क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां आपको बिल्कुल ही खालीपन दिखेगा, और ये बहुत ही बड़ी जगह जहां गैलेक्सीज और सितारे आपको बिल्कुल ही नाके बराबर देखने मिलेगा। ये जगह हमसे 700 मिलियन लाइट ईयर दूर बूटस कॉन्स्टिलेशन में स्थित है, जिसका नाम है बूटस वर्ल्ड। अब इतना ज्यादा खालीपन का एक्सप्लेनेशन किसी भी साइंटिस्टों के पास नहीं है, तो इसी तरह ब्रह्मांड में हमें ऐसे अनसुलझे रहस्य देखने मिलेगा जिसका एक्सप्लेनेशन शायद हम आने वाले कई सालों तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फिजिक्स के लॉस को ही ले लीजिए, जो हमारे ब्रह्मांड में हमारी धरती से लेकर हर जगह काम करता है, राइट? लेकिन ये बिल्कुल ही गलतफहमी है। ब्लैक होल्स के अंदर सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहाँ ये लॉस काम नहीं करता। दूसरी तरफ एक समय जिससे पहले फिजिक्स के लॉस काम करना बंद कर देगा, और ये समय है 10^-43 seconds। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा समय है भाई? तो दोस्तों, जिस समय उस सिंगल पॉइंट में विस्फोट हुआ और बिग बैंग की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक 13.772 बिलियन ईयर्स गुजर चुका है। तो इसी समय के एकदम शुरुआत में 10^-43 seconds, उस सेकंड से पहले आपके लिए कोई भी फिजिक्स का लॉ काम नहीं करेगा। और इसी से हमारे मन में ये सवाल आता रहता है कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या होता था। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि बिग बैंग से पहले ना तो कोई ब्रह्मांड था और ना ही कोई समय। अब जब यहाँ बोला जा रहा है कि बिग बैंग से पहले समय ही नहीं था, तब तो उससे पहले क्या होता है, ये सवाल ही गलत हो गया। क्योंकि पहले और बाद में ये पास्ट फ्यूचर की बातें तो तब आएगा ना जब वह टाइम एग्जिस्ट करेगा। दरअसल हमारा दिमाग ये इमेजिन ही नहीं कर पाता कि ऐसी भी डायमेंशन या दुनिया हो सकती है जहां समय नाम की कोई चीज ही ना हो। इसके अलावा बिग बैंग में एक सिंगल पॉइंट में विस्फोट से आज तक हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से इतना सब कुछ आखिर कैसे हो गया? तो यहां अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को देखते हैं, तो वहां बोला जाता है कि समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग। अगर इसे एकदम सिंपल समझे, तो क्या हम नंबर जीरो या शून्य को किसी भी चीज से चाहे मल्टीप्लाई करे, रिजल्ट्स तो आखिर जीरो ही निकलेगा। तो शायद बिग बैंग से पहले भी कुछ तो रहा होगा जिसे साइंस अब तक सॉल्व नहीं कर पाया। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इस ब्रह्मांड को लेकर सिर्फ एक ही थ्योरी है। कई साइंटिस्ट ये मानने लगे कि ब्लैक होल के अंदर ही हमें इस ब्रह्मांड से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर एकदम सेंटर पे मौजूद पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसके अंदर लाखों करोड़ों सितारे सिर्फ उस छोटे पॉइंट में ही समाया है। और बिग बैंग में भी हमें कुछ ऐसा ही बताया जाता है। तो ये भी हो सकता है कि शुरुआती दिनों के ब्लैक होल्स बनने से ये बना हो, और बिग बैंग का सिंगल पॉइंट शायद यही ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी हो। लेकिन इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है, जिसमें ये सवाल उठ सकता है कि ये ब्लैक होल भी आखिर कहां से बना, और ब्लैक होल के अंदर का सिंगुलैरिटी भी आखिर किधर से आया होगा। और यही सवाल इस थ्योरी को भी बिग बैंग थ्योरी की तरह बना देता है, जिसके पास इसके शुरुआत के बारे में सभी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरी तरफ ब्रह्मांड के जन्म को लेकर बहुत ही मशहूर द स्ट्रिंग थ्योरी है, जिसमें सबसे छोटे लेवल पर एक स्ट्रिंग या तार की तरह दिखने वाला पार्टिकल ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, जो कि हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। और इसी वाइब्रेशन के बहुत ही अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, और अलग पैटर्न से अलग पार्टिकल उत्पन्न होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन। दुनिया में सभी मैटर मॉलिक्यूल से बना है, और ये मॉलिक्यूल्स में एटॉम्स होता है, और इसी एटॉम्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स ये सब होते हैं। और अगर हम इन्हें भी तोड़ते चले जाए, तो हमें क्वार्क्स मिलता है। इन क्वार्क्स के भी अगर हम अंदर जाते हैं, तो तब हमें ये स्ट्रिंग मिलेगा, और इसी स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसके बाहर का चीज आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इनमें से कौन सा होगा। ये स्ट्रिंग्स कई तरह के डायमेंशंस में मौजूद है। हर डायमेंशन में होने के चलते इनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग यूनिवर्स बनता है, जो आपस में ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकराता है। डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल है। तो इसी डार्क एनर्जी के बारे में स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि डार्क एनर्जी दरअसल हमारे करीब मौजूद दूसरे यूनिवर्स की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का नतीजा है। अब बिग बैंग का मतलब होता है बहुत बड़ा धमाका। तो स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक जब दो ब्रह्मांड के आपस में टक्कर होती है, तभी बिग बैंग होता है और एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। अब स्ट्रिंग थ्योरी के पास अगर सभी सवालों के जवाब है, तो इसे बिग बैंग से भी ऊपर दर्जा क्यों नहीं दिया गया? दरअसल इस थ्योरी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स या पदार्थ का मेंशन है जो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है,
इसीलिए इस थ्योरी को साइंटिस्ट नहीं मानना चाहते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में ऐसी भी दो जगह है जहां फिजिक्स के नियम नहीं चलते, तो इसीलिए स्ट्रिंग थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना बिल्कुल ही गलत होगा। तो आप किस थ्योरी को ज्यादा प्रेफर करते हो? क्या आपको बिग बैंग थ्योरी ज्यादा सही लगता है या फिर स्ट्रिंग थ्योरी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।